ये 1998 की बात है। इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर के रूप में एक नए स्टार का उदय हो चुका था। सचिन के अलावा सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी भी टीम इंडिया में तेजी से अपना नाम बना रहे थे। इन खिलाड़ियों के टीम में शामिल होने के कुछ साल बाद ही भारत दुनिया की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप वाली टीम के रूप में पहचाना जाने लगा था। लेकिन इंडियन टीम में अभी भी कुछ कमी थी। कमी भारत के बोलिंग डिपार्टमेंट में थी। 90 के दशक में जहां पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें अपने पेस बोलर्स के जरिए दुनिया भर के बल्लेबाजों के अंदर भय पैदा कर रहे थे, तब स्टार बल्लेबाजों से सजी भारतीय टीम में अच्छे तेज गेंदबाजों का अकाल पड़ा हुआ था। ले देकर भारत के पास पेस बोलर्स के नाम पर सिर्फ जवागल श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद जैसे खिलाड़ी ही थे जो टीम के लिए निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे थे। फिर 1998 का साल आया। इसी वर्ष इंडियन टीम में एक दुबला पतला लड़का दाखिल हुआ जिसके टैलेंट को देखते हुए उसे कभी अगला सचिन तो कभी अगला कपिल देव कहा गया। लड़का जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे बड़े से बड़े खिलाड़ी भी कभी हासिल नहीं कर पाए। लड़का जिसके खेल को ज्यादातर नजरअंदाज किया गया। हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अजीत आगरकर की। 4 दिसंबर 1977 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे अजीत आगरकर पर क्रिकेट का जुनून बचपन में ही सवार हो गया था। बताया जाता है कि आगरकर ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत एक बैट्समैन के तौर पर किया था। अपनी बैटिंग को सुधारने के लिए उन्होंने मशहूर क्रिकेट गुरु रमाकांत आचरेकर को अपना कोच बनाया और फिर उन्हीं की देखरेख में मुंबई के शिवाजी पार्क में क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे आगरकर ने अपनी पहचान एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर बनाया जो बल्लेबाजी के साथ साथ थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेता है। आगरकर पहली बार चर्चा में तब आए जब उन्होंने महज 15 साल की उम्र में एक अंडर 16 टूर्नामेंट में ट्रिपल सेंचुरी लगाया। उनका ये खेल हैरी शील्ड अंडर 19 टूर्नामेंट में भी जारी रहा। लगातार रन बनाने के चलते उनकी बैटिंग की खूब तारीफ होने लगी और उन्हें तेंदुलकर इन मेकिंग कहा जाने लगा। बाद में जब आगरकर को पता चला कि केवल गेंदबाज या बल्लेबाज के रूप में मुंबई टीम में जगह मिलना मुश्किल है तो उन्होंने ऑलराउंडर के रूप में खुद को ढालना शुरू किया। शुरुआत में बतौर बल्लेबाज नाम कमाने वाले आगरकर आगे चलकर बल्लेबाजी के बजाय गेंदबाजी के लिए ज्यादा मशहूर हुए। अजीत आगरकर एक ऐसे गेंदबाज थे जिसके लिए कहा जाता था कि वो कब करिश्मा कर देगा इसका उसे खुद भी पता नहीं होता था। गेंद और बल्ले से बराबर का इंपैक्ट बनाने की क्षमता रखने वाले आगरकर के करियर में गेंद का पलड़ा हमेशा भारी रहा। उनके नाम क्रिकेट में एक अजीब और गरीब रिकॉर्ड दर्ज है। यह रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में लगातार 7 पारियों में एक भी रन नहीं बना पाने का रिकॉर्ड। इन 7 पारियों में वे शून्य पर आउट हुए। 1999 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वे लगातार 4 पारियों में गोल्डन डक हुए। गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर बिना रन बनाए आउट होना। 5वीं पारी में उन्होंने 2 गेंदें जरूर खेली लेकिन फिर से 0 पर आउट हो गए। साल 2001 में जब कंगारू टीम भारत आई तो वहां भी 0 ने आगरकर का पीछा नहीं छोड़ा। वे मुंबई टेस्ट की दोनों ही पारियों में फिर से 0 पर आउट हुए। इस तरह लगातार 7 पारियों में वे एक भी रन नहीं बना सके। इस दौरान उन्हें ग्लेन मैकग्रा, डेमियन फ्लेमिंग, ब्रेट ली और मार्क वॉन ने आउट किया था। लगातार 7 पारियों में 0 पर आउट होने के बाद उन्हें बॉम्बे डक कहा जाने लगा था। साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ब्रिस्बेन टेस्ट में जाकर 12 रन के साथ उन्होंने 0 के भूत से पीछा छुड़ाया। अजीत आगरकर जब इंडियन टीम में नए नए आए थे तो उन्हें कपिल देव का उत्तराधिकारी माना गया था, लेकिन कपिल की तरह वे लगातार गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अजीत गेंद से तो कमाल कर रहे थे लेकिन बैटिंग में वो काफी इनकंसिस्टेंट रहे। हालांकि बीच बीच में बल्ले की धमक भी सुनाई पड़ती थी। टीम इंडिया के पूर्व कोच जॉन राइट्स ने आगरकर को कई मौकों पर बैटिंग में प्रमोट किया और भारत को इसका फायदा भी हुआ। साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बारी उन्होंने महज 21 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था। ये आज भी भारत के लिए सबसे तेज वनडे 50 का रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जमशेदपुर में 95 रन की पारी खेली। आगरकर ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज से अपना वनडे डेब्यू किया था। इस टूर्नामेंट में वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। फिर अगले 8 मैचों में उन्होंने 22 विकेट चटकाया। सितंबर 1998 में आगरकर ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 23 मैचों में ही ये कमाल कर दिया था। आगरकर से पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लीली के नाम था जिन्होंने ये कारनामा 24 मैचों में कर दिखाया था। आगरकर के बाद वर्ष 2009 में श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने 50 विकेट लेने के लिए महज 19 मैच ही खेला था। आगरकर ने सबसे कम मैचों में 200 विकेट लेने और 1000 रन बनाने का कारनामा भी किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के शॉन पोलक के 138 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 133 मैचों में ये कमाल कर दिया था। आगरकर 1999 के वर्ल्ड कप में भी
खेले थे, लेकिन इनकंसिस्टेंट होने के कारण वे पूरे मैचों में टीम इंडिया के सदस्य नहीं बन सके थे। वे 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम का हिस्सा रहे थे। साल 2004 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न वनडे में महज 42 रन देकर उन्होंने 6 विकेट लिया था। ये उनका वनडे में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। हालांकि आगरकर के कमाल के बावजूद भारत ये मैच नहीं जीत सका। आगरकर टेस्ट से ज्यादा वनडे में प्रभावी रहे। साल 2005-06 के दौरान तो वे भारत के सबसे कारगर वनडे गेंदबाज रहे थे। आगरकर की गेंदबाजी में पेस हमेशा नजर आई, लेकिन चोट और निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने की वजह से वे इंडियन टीम से अक्सर अंदर बाहर होते रहे थे। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2007 में खेला था। इंडियन टीम से ड्रॉप होने के बाद भी आगरकर 2013 तक मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते रहे थे, लेकिन वो इंडियन टीम में वापसी नहीं कर पाए। आगरकर ने तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनके नाम 26 टेस्ट में 571 रन और 58 विकेट है। 191 वनडे में उनके बल्ले से 1269 रन निकले और वो 288 विकेट लेने में कामयाब रहे। वनडे में वे अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ के बाद भारत के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वे भारत के लिए 4 T20 मैच भी खेल चुके हैं, जिनमें वो महज 3 विकेट ही ले सके थे। आगरकर ने 1998 में ही टेस्ट में भी कदम रखा था, लेकिन इस फॉर्मेट में वो कभी जम नहीं पाए। यहाँ तो उनके नाम कुछ एक उपलब्धियां ही हैं। इनमें से एक साल 2002 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट शतक जड़ना है। ये पारी उन्होंने नंबर 8 पर उतरकर खेली थी। इसके अलावा 2003 के एडिलेड टेस्ट में उन्होंने 41 रन देकर 6 विकेट लिया और भारत को टेस्ट मैच जीतने में अहम योगदान दिया। आगरकर साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम के सदस्य भी रहे थे। अजीत आगरकर साल 2008 में शुरू हुई इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा भी रह चुके हैं। वे 2008 से 2010 के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और 2011 से 2013 के बीच दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले थे। बात करें अजीत के पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने वर्ष 2002 में फातिमा नाम की लड़की से शादी की थी। फातिमा अजीत के करीबी दोस्त मजहर की बहन है। मजहर अक्सर अजीत का मैच देखने के लिए स्टेडियम आया करते थे और कभी कभी अपने साथ बहन फातिमा को भी ले आते थे। उसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई। धीरे धीरे आगरकर और फातिमा की दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई, ये उन दोनों को भी नहीं पता चला। अब अजीत और फातिमा शादी करके एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे, मगर ये इतना आसान नहीं था। दरअसल अजीत एक मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, जबकि फातिमा मुस्लिम थी। अलग धर्म होने की वजह से दोनों की लव स्टोरी शादी में तब्दील नहीं हो पा रही थी। अजीत और फातिमा के घर वाले भी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। आखिरकार फरवरी 2002 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और अपना नाम सदा के लिए जोड़ लिया। फिलहाल आगरकर और फातिमा मुंबई में रह रहे हैं। दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने राज रखा है। नमस्कार।